मिट्टी चिंग लेते हैं स्टिंग के साथ गाना। रूट्स वगैरह पे तमाम के तमाम आ गए स्टूडेंट्स, सब जा रहे हैं अपने अपने क्लासेस की जानेब। चले जी हम भी चलते हैं क्लासेस की जानेब। ये जी डिपार्टमेंट के बाहर का ग्राउंड है, ये बैठने की जगह जैसे क्लासेस से फ्री होके, और ये एक फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर, और ये सीढ़ियाँ इस तरह से जा रही है, और तमाम डिपार्टमेंट्स के ऐसे ही नक्शे बने हुए हैं। ये हसन ब्लॉक B2 है, और ये B2 GF6 क्लास के नंबरिंग दी हुई ताकि बच्चों को क्लासें ढूंढ रहा में आसानी रहे कि टीचर्स कहते हैं कि आज फला क्लास में आज फला में है। बिन्यामीन को देखूँ जाके कहाँ रह गया ये बच्चा, अभी तक आ ही नहीं रहा। अच्छा मैंने जाना था डिग्री का मालूमात लेने के लिए कि डिग्री चल रही है, वो अप्लाई किया था उसके लिए रिजल्ट कार्ड्स के लिए। आज क्लास में पहले पहले पहुंच के अभी बच्चे कोई भी नहीं आए क्योंकि तमाम रूट्स वगैरह सभी पहुंच रहे हैं। गर्ल्स तो ज्यादातर रूट्स पे ही आती हैं या फिर मम्मा पापा छोड़ जाते हैं। मार साहब भी आ गए, बिन्यामीन अंकल भी आ गए, है ना भी नहीं बैठते थी क्लास आज है तो एक ही लेक्चर भी नहीं। हाँ अच्छा ये जो सूरज की किरणें इस तरफ से ना हो तो ये बिल्डिंग बड़ी प्यारी लगती है, खूबसूरत। ये देखें व्यू इसका, ये देख रहे हैं माशाल्लाह से बिल्डिंग इन्होंने बहुत प्यारी बनाई है। ये एक ISP का फ्लैग लगा हुआ था, यहाँ पे पाकिस्तान कब, दोनों पाकिस्तान के फ्लैग्स लगे हुए हैं। ये जी ISP का स्टैंड, ये पीछे साइड पे ग्राउंड है, यहाँ पे ज़्यादातर कपल्स वगैरह बैठे रहते हैं। चाचा जी यहाँ पे पर्चियाँ काटते रहते हैं, हिमें चाचा पर्ची कटेंदे बेयर निकशा। ये सारा ग्राउंड कैंपस वगैरह सिस्टम आ जाता है। कैफे गार्डन पहुंच गए जी, यहाँ पे सेटिंग बड़ी बेहतरीन हुई हुई है। चलते हैं कोई असाइनमेंट पेपर्स वगैरह लेते हैं, कोई निज़ाम वगैरह देखते हैं। बाहर सारे आम के पौधे वगैरह लगे हुए हैं, कोई नाश्ते वगैरह के लिए खाने पीने के लिए कोई सामान देखते हैं कि क्या खाना पीना है। यहाँ पे बिरयानी शिरयानी ये वो सब कुछ मिले। भाई नाश्ते के लिए कुछ पड़ा हुआ है खाने के लिए? बिरयानी वगैरह कुछ भी नहीं है? बिरयानी वगैरह कुछ भी नहीं पड़ी? तो नाश्ते के लिए भूख लग रही थी तो मैंने कहा स्टिंग लेते हैं, स्टिंग के साथ गाला। क्या लेना बिन्यामीन आपने? यूफोन का कार्ड। अच्छा जी बिन्यामीन भाई के साथ आए हैं जी, यहाँ पे असाइनमेंट्स बनानी है, असाइनमेंट शीट्स हैं। असाइनमेंट शीट्स कौन कौन से लेके आया बिना? इस पे नाम नहीं लिखवाया बिन्यामीन आपने, ब्लर हुई हुई शीट। अच्छा कैमरा ब्लर है। बिन्यामीन डाटा गोले हैं आप, फिर हम लिखे इवें साहब डाटा गोले ने प्लस लिखू बैठे। अच्छा समझदार हमारा भाई इतना है कि छाओं के अंदर भी टोपी पहन के बैठता। आंख का कोई इशू तो नहीं है बिन्ने? आज के असाइनमेंट जी हो गई पूरी मैम जारा की। ये माशाल्लाह तमाम के तमाम लिखे हैं पॉइंट्स वगैरह, ये पॉइंट्स लिखे हैं। मार साहब भी लिख रहे हैं, मार साहब टाइम कम है आप जल्दी लिखे। बिन्यामीन आपने लिख लिया बॉस? यूनिवर्सिटी से निकले तो बुच विलाज आ गए। बुच विलाज आने का मेन मकसद था कि फिल्म का पता करना। ये अब आप देख रहे हैं ये एयर एम्बुलेंस हॉस्पिटल बनाया है बुच विलाज के अंदर, बहुत बड़ा, कि इसके अंदर एयर एम्बुलेंस भी है बड़ी। आपको अच्छा दिखाऊंगा अगर देखा नहीं इन्होंने दी। ये बड़ा प्यारा सिस्टम बनाया है बुचास ने। अच्छा देखते हैं फिल्म आई हुई है भोला थिएटर, और उसके बाद एक और आई हुई है उसका भी पता करते हैं ब्लैक एडम, तो उसकी टिकट वगैरह कितने की दे रहे हैं क्या है। जैसे यूनिवर्सिटी में लड़कियां वगैरह भी यूनिवर्सल सिनेमा में आ गए, लड़कियां वगैरह भी इधर से क्या नाम है फारिग पूरे हो गए ना इधर ही आ जाती हैं। यूनिवर्सल सिनेमा पहुंच गए हैं, पीछे पोस्टर नजर आ रहा होगा बोला जट के, पूरे का पूरा यूनिवर्सल सिनेमा जाके इधर पता करते हैं मालूमात वगैरह करते हैं क्या है कैसे। बिन्यामीन अभी पूछने के लिए गए हुए कि यूनिवर्सल सिनेमा में कितने की टिकट्स मिलती हैं। जी यूनिवर्सिटी से उधर जो पूछ विलास से जो निकले ना उन्होंने बताया यूनिवर्सल सिनेमा में मोला जट की 700 चल रही है, स्टूडेंट कार्ड दिखाओगे 4 बजे तक तो 400-500 टिकट हो जाएगी, और ब्लैक एडम जो आई हुई है वो शाम को। मोला जट सारा दिन चल रही है और ब्लैक एडम शाम के टाइम। अच्छा ये आप देख सकते हैं कि इस टाइम पूरे की पूरी रोड के ऊपर ना दूर दराज ये बादल नहीं है, ये फोग हो गई है। नवंबर की आज 2 तारीख है मेरे ख्याल में, तो फोग वगैरह होना स्टार्ट होगी अभी से, और इस बार की फोग से लग रहे तो फोग निकाह के होनी है इस बार जोरों शोर से। BSO वालों ने शेल वालों ने न्यू पंप की अपनी अपग्रेडेशन स्टार्ट कर दी है यहाँ पे, देखते हैं जी क्या निदाच। अब मैं जा रहा हूँ हॉस्टल की जाने, थोड़ा रेस्ट करते हैं फिर ए फ्यू मोमेंट्स लेटर के बाद वीडियो फिर स्टार्ट। सांप आ गए, सांप पकड़ रहे हैं मार रहे हैं। ये ईंट के नीचे है ना, ईंट के ऊपर ईंट मारो ना। हाँ ये ठीक है, ईंट के ऊपर ईंट मार दो, नहीं लगी ईंट के ऊपर।
यार इन्हें सट मार चा ना, मैं तो नहीं मारनी, तुसा मारनी है। गया नहीं वद्दा हो सी थी लगे 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 बीए मारो एक बी मार दो हूं करीब नाल मारो इसके सर में अब आप वीडियो बनाओ वीडियो की पड़ी हुई है इतना बड़ा था नहीं जितने बड़े लोग डर रहे हैं चंगी लग गई है यार लगते मारो फिर अभी भी हिल रहा है ये कोई छदारी है मिट्टी ये मिट्टी आला है पता नहीं कौड़ियां इथे गांधे चाहता यूनिवर्सिटी से आया आके बाल उजड़े में देख रहे हो गया मैं लेट गया इतने में आवाज आई सांप 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 मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया जाके देखा इतना बड़ा सांप जो वीडियो में आप लोगों को दिखाया डर के हालत बेहाल हो गई मैं बिन्यामीन को कह ये बैठा रहा बिन्या कि अब कारपाइट पे नहीं लेटना चल के पहले चारपाई लेते हैं खर्चे के ऐसे की तैसे जिंदगी ज्यादा कीमती है चारपाई तो 2500-3000 की है इलाज पे भी ज्यादा पैसे लग जाएंगे उठ जा बिन्या यार चले मेरी तो हालत पतली हो जा रही है और भी पता नहीं कितने बच्चे होंगे भाई इसके अच्छा जी माइंड सेट तब्दील करने के लिए मैंने बिन्यामीन को कहा बाहर चलते हैं घूमने तो ब्रांड लाइन वाली रोड पे आ गए हैं यहाँ पे आके ये कि दिमाग वगैरह थोड़ा चेंज हो जाएगा लेकिन हॉस्टल जो गए हैं जा रहे हैं फिर दिमाग में वही तमाम चीजें आ रही हैं ये मुल्तान की ब्रांड लाइन रोड है चारपाइयां वगैरह हम ढूंढते फिरते रहे लेकिन चारपाइयां नहीं मिली अच्छा जी सांप से बचने के लिए चारपाई ढूंढते फिर रहे हैं बाइक के ऊपर फिर रहे हैं बाइक की स्पीड भी 20 पे इस टाइम हमने कहा चारपाई वगैरह कहीं ना कहीं मिल जाएगी चारपाई के यहाँ पे रेट इतने हाई है कि जिसकी कोई हद नहीं मतलब कि चारपाई वगैरह मिल जाए चारपाई का आसरा ये हो जाता है चलो वो कौन नहीं आएगा सांप बाकी तो कोई बचत वगैरह नहीं है चारपाई जहाँ पे है तो रेट इतने हाई है कि बेड के बराबर रहे हैं कि हॉस्टल जाके तसल्ली करते हैं अच्छा रूम में आ गए रूम में आके इस टाइम भी हमें डर लग रहा है फिर बिन्यामीन झाड़ ले कपड़े ये ना इसी के अंदर कुछ हो अच्छी तरह से देख ले एक एक जगह रूम की देख ले पहले कहीं बिना देख रहे बिस्तर के नीचे भी देख ले ये देखने की वजूहत ये भाई सांप जो देखा ना उसने जरा दिल की धड़कने तेज में अपने कंबल भी जाते वो ऊपर रख गया था मैं कह ये ना इसके अंदर कुछ आ जाए मैं भी देख लू कुछ नहीं है ओए बैग अपना उठा के साइड पे रख ये सारा जो सामान इकट्ठा हुआ है बिन्ने ये खतरनाक है बहुत ज्यादा ये सांप की दावत है और कुछ नहीं है वैसे कमरे में ज्यादा सामान रखना नहीं चाहिए एक तो हमारा इशू ये भी अटैच वॉशरूम है ना तो डर लगा रहता है ये ना कोई चीज फुदकते फुदकते यूं यूं बिस्तरों पे आ जाए बिन्यामीन के ऊपर भी